हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकृत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के 75th एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना और एंजॉय करना। इसी के साथ में फ्लिपकार्ट का सेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अमेजोन के सेल में अभी भी कुछ डील्स जो है वो आप लोगों को अच्छी देखने को मिल जाती है, तो उसके लिंक्स जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं और उनका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। और अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ में, जो कि आ रही है Redmi की तरफ से। और Redmi Note 10 सीरीज़ बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है। इसी के रिगार्डिंग डिजिटल चैट स्टेशन ने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। और Redmi Note 10 सीरीज़ जो है वो 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में इसमें हमें 108 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आप लोगों को ये सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या प्राइसिंग पे Redmi Note 10 सीरीज़ इस बार आती है और क्या खास हमें इस फ़ोन में इस बार देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं Realme की तरफ। और Realme की तरफ से कुछ और यहाँ पे वायरलेस ईयरफोन्स जो है वो लिस्ट हो चुके हैं इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे। इसका मतलब Realme की तरफ से हमें बहुत ही जल्दी और वायरलेस हेडफोन्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सी प्राइस सेगमेंट में जो है ये ईयरफोन्स हमें देखने को मिल जाते हैं और क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है Realme के वायरलेस ईयरफोन्स के लिए, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं Huawei की। और Huawei का ऑलरेडी जो है ग्लोबली बहुत ही ख़राब टाइम यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज से ऑलरेडी Huawei बैन हो चुका है और अब इसमें एक और कंट्री का नाम जो है वो जुड़ चुका है। स्वीडन ने भी यहाँ पे Huawei और ZTE के डिवाइसेस को अपने 5G नेटवर्क से जो है वो बैन कर दिया है। यानी कि Huawei और ZTE के डिवाइसेस आप लोगों को स्वीडन में नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है Huawei के लिए। और इसी के चलते चीन ने जो है वो स्वीडन को रिक्वेस्ट की है कि इस डिसीजन को जो है वो आप रिवर्स कर दीजिए, वरना जो भी स्वीडन बेस्ड कंपनीज है चाइना में उन पर यहाँ पे आप लोगों को एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं Huawei की तरफ से। और Huawei के बारे में आप लोगों को क्या लगता है, Huawei जो है वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बैन होना चाहिए, चाइनीज कंपनी है इसीलिए, या फिर आप लोग जो है वो Huawei के फ़ोन्स या फिर Huawei के एक्सेसरीज को यहाँ पे प्रिफर करते हैं, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो अब बात करते हैं Apple Watch SE की। तो बहुत सारे यूज़र्स ने ऐसे रिपोर्ट किया है कि Apple Watch SE जो है वो ओवरहीट हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन उन लोगों को रिस्ट पे फील होता है अगर वो इस वॉच को यूज़ करते हैं तो। और बहुत सारे यूज़र्स ने ऐसे भी बताया है कि इसका जो डिस्प्ले है उस पे हम लोगों को जो है वो येल्लो कलर का टिंट देखने को मिलता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है इसी के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वॉच जो है बहुत ही ज़्यादा चीप आप लोगों को नहीं देखने को मिलती। इंडिया में भी ये अराउंड आप लोगों को 30,000 रुपीज़ के देखने को मिल जाती है। और इतनी एक्सपेंसिव वॉच लेके भी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों को इस वॉच में देखने को मिलते हैं तो क्या आप लोग यहाँ पे परचेस करना पसंद करेंगे एप्पल के या फिर किसी भी ऐसे हाई एंड कंपनी की तरफ से जिसकी प्राइसिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो जो है वो बेचते हैं? तो आप लोग मुझे इसके बारे में ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। और प्रॉब्लम्स की बात करें तो गूगल की तरफ से भी एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो निकल के आ रही है। और बहुत सारे यूज़र्स को गूगल पिक्सल 5 डिवाइस में बॉडी और स्क्रीन के बीच में जो है वो गैप देखने को मिल रहा है। मोस्टली ये जो गैप है ये आप लोगों को फ्रंट कैमरे के साइड में देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे यूज़र्स को सिम ट्रे जहाँ पे होता है वहाँ पे भी गैप जो है वो नज़र आ चुका है। तो इसके बारे में अभी तक गूगल ने ऑफिशियली कोई भी कमेंट नहीं किया है। देखते हैं कितनी जल्दी गूगल जो है वो इस पर रिएक्ट करता है। और इतने महंगे फ़ोन्स लेके भी अगर इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें परचेस करना यहाँ पे वर्थ है? या फिर जो मिड रेंज फ़ोन्स लॉन्च करते हैं Xiaomi, Vivo, Oppo या फिर Realme जैसे ब्रांड्स जो है वो कम से कम प्राइस में आप लोगों को अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देते हैं? आप लोग मुझे इसके बारे में ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। और अब बात करते हैं पोको की। और पोको का जो अपकमिंग F सीरीज़ का डिवाइस होने वाला है, इसको ऐसे बताया जा रहा है कि यूरोप के बहुत सारे मार्केट्स में ऑलरेडी इंपोर्ट किया जा चुका है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिवाइस जो है वो पाकिस्तान में भी ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है और बहुत ही जल्दी हमें ये डिवाइस जो है वो देखने को मिल सकता है। और इंडिया में भी शायद से ये थोड़े दिन बाद हमें देखने को मिल जाएगा।
तो देखते हैं कौन सा डिवाइस एग्जैक्टली पोको यहाँ पे लॉन्च करता है, कौन सी प्राइसिंग पे लॉन्च करता है और कौन से स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स हमें इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है पोको के अपकमिंग एफ सीरीज वाले डिवाइस में, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे आखिरी न्यूज़ की तरफ जो कि आ रही है LG की तरफ से, और LG विंग स्मार्टफोन आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा 28 अक्टूबर को। और इस फ़ोन में आप लोगों को जो है वो स्विवलिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसको स्विवल करते हैं तो आप लोगों को टी शेप का मोबाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और वो डुअल स्क्रीन से आप लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन मेरे हिसाब से 2020 में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं क्या प्राइसिंग पे LG इसको इंडिया में लॉन्च करता है, और क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है LG विंग स्मार्टफोन के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके किसी टेक रिलेटेड क्वेश्चन का मैं मेरे वीडियो में यहाँ पे आंसर करूँ, तो सिंपली इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में #techiequestion यूज करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और मैं आपके सवालों के जवाब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं टेकी फैक्ट की तरफ, और आज का टेकी फैक्ट जो है वो ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। और क्या आप लोगों को पता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ड्रोन को यहाँ पे सबसे पहले इन्वेंट किया था? तो इसराइल ऐसी कंट्री बन जाती है जिसने सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया था, और उसके बाद से धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी ड्रोन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का टेकी फैक्ट, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं अपकमिंग अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ के वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आप लोगों को अनबॉक्सिंग जो है वो हमारे चैनल पे अपकमिंग डेज में देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो लेके आया हूँ। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जो है वो बजा देना, और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।